है आपका आईबीएन 9 न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बीजेपी पार्षदों का कहना था कि नगर पालिका निगम देवास की पार्षद वार्ड क्रमांक 32 निधि वर्मा को वार्ड क्रमांक 32 में रहने वाले सुनील पिता राम माली द्वारा एक वीडियो जारी कर जान से मारने की धमकी भाजपा पार्षद निधि वर्मा को दी जा रही है। उक्त व्यक्ति द्वारा पहले कई बार उन्हें उनके पति श्री प्रवीण वर्मा को मौखिक रूप से मारने की धमकी दी गई थी। उक्त व्यक्ति ने इस पार्षद तथा उनके पति को जान का खतरा है। भाजपा के पार्षद तथा पदाधिकारियों ने आज एसपी कार्यालय पहुंचकर देवास एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह से आरोपी पर उचित कार्यवाही करने की मांग की। बोल बोल। ये सुनील माली है हमारे भैया। उपचुनाव की तैयारी हटियाल उन्हों बनना चल लो। कौन सा वार्ड है भैया? 32 वर्तमान 32 देवास। विगत दिनों एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था जो देवास के अंदर अनेक सोशल मीडियाओं में चला था। वो वीडियो पूर्णतः राजनीति से प्रेषित था, जिसके अंतर्गत ऐसा दर्शा रहा था कि चुनाव की कहीं ना कहीं अपनी हार को नहीं पचा पा रहा था। उसके कारण उसने उससे ग्रसित होकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल के कोषाध्यक्ष जो निधि प्रवीण वर्मा है उनके खिलाफ उनने अर्गल शब्दों का भाषा का इस्तेमाल करा, साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी और सोशल मीडिया में बिल्कुल वो हथियार दिखा रहा है। उसी के लिए हम एसपी साहब से मिले हैं और एसपी साहब ने हमें तुरंत कार्रवाई करने के लिए बोला है और सिटी कोतवाली के साहब परमार साहब को उन्होंने निर्देशित करा है कि उसे शीघ्र अतिशीघ्र पकड़ कर सख्त कार्रवाई। कौन सा वार्ड का मामला है भैया? वार्ड क्रमांक 32 और सुनील रमेश चंद्र। तो अभी क्या बोला साहब ने आपकी चर्चा हुई? तो साहब ने बोला है कि उसे पकड़ कर कानून अपना कार्रवाई करेगा। जिस प्रकार उसने निधि प्रवीण वर्मा के लिए खिलाफ भाषा का इस्तेमाल करा है उससे प्रकरण दर्ज कर कानूनी अपनी कार्रवाई। आपका नाम और पद? मनीष सेन, नेता पार्षद दल। अभी भारी संख्या में बीजेपी पार्षदगण देवास एसपी कार्यालय पहुंचे थे, क्या कुछ समस्या लेकर पहुंचे? वार्ड नंबर 32 की पार्षद निधि वर्मा, जो कि उनको पहले भी धमकी दी जा चुकी उनके पति को प्रवीण वर्मा को एक कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा, इस प्रकार की गतिविधियां बार बार चल रही हैं उसके विरोध में हम लोग आए हैं। उन्होंने जिस प्रकार से धमकी दे वाला वीडियो वायरल किया है कि अभी हथियार बन चुके हैं, अब वार्ड नंबर 32 में उपचुनाव की तैयारी है, इसको संज्ञान में एसपी साहब के दिया है और उनसे बोला उचित से उचित कार्रवाई करें। क्या आश्वासन मिला? वो आज के आज में कार्रवाई करने के लिए उन्होंने सुनील रमेश चंद मालवी, उम्र 36 साल, वार्ड नंबर 32 का निवासी है। अजय तोमर पार्षद। सर बताएं कुछ, भाजपा पार्षद अभी आपके पास पहुंचे थे, क्या कुछ समस्या लेकर आपके पास? एक कोई युवक है सुनील नाम का, उसके विरुद्ध कुछ लोगों ने आवेदन दिया है, कोई धमकी भरा कोई मैसेज जारी किया उसके लिए, उसमें तत्काल कायमी करके एफआईआर दर्ज करके और उसको गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए। अभी आप एसपी कार्यालय आए थे, क्या समस्या लेकर आए थे आप? समस्या ये है कि विगत दिनों हमारी साथी पार्षद निधि प्रवीण वर्मा को असामाजिक तत्वों द्वारा धमकी दी गई और एक वीडियो भी वायरल किया गया, जो सरासर गलत बात है। इसके लिए एसपी ऑफिस में अभी हम लोगों ने आवेदन दिया है और सर से उचित कार्रवाई करने का भी कहा गया है। और हमारी कोई भी महिला पार्षद साथी इतनी कमज़ोर नहीं है, संगठन हमारे साथ है और सभी लोग हमारे साथ है। किसी भी असामाजिक तत्व द्वारा अगर कोई भी ऐसी हरकत की जाएगी तो उसका बराबर जवाब दिया जाएगा। क्या नाम है उस युवक का और कहाँ का रहने वाला और क्या कुछ कराया? वार्ड क्रमांक 32 का ही है और सुनील नाम है उस व्यक्ति का। क्या करा है? उसने बकायदा एक वीडियो वायरल किया है जिसमें हथियार बनाते हुए दिख रहा है और वो उपचुनाव की तैयारी करने का बोल रहा है, ये गलत बात है। अभी आपको क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है उचित कार्यवाही होगी। आपका नाम? मेरा नाम वार्ड 24 पार्षद रितु रविंद्र साउंडेर। अभी के लिए इतना ही, लगातार खबरों के लिए बने रहिए आईबीएन 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।